السلام عليكم. मुजम्मिल थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ठीक है? कुछ लोग और ज्वाइन करते हैं। बेटा अभी हो जाएगी, अभी कुछ लोग और आ जाए तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कंपाइलर इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है। हमें कंपाइलर डिज़ाइन करना है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए अगर आपको याद हो थोड़ा सा, मैंने आपको ये फेजेस बताए थे कंपाइलर के, ये डिफरेंट फेजेज हैं। इसमें पहला फेज है लेक्सिकल एनालाइजर, दूसरा फेज है हमारा सिंटैक्स एनालाइजर, तीसरा फेज है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर, चौथा फेज है हमारा आईआर जनरेशन, आईआर ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिटेल में ये बात की थी कि जो हमारे शुरू के तीन फेजेज हैं वही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है और उसी में हमारे कोर कॉन्सेप्ट हैं इस कोर्स के।
लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर एंड सिमेंटिक एनालाइजर, जो हमारे शुरू के तीन फेजेज हैं, ये हमारा कोर पोर्शन है इस कोर्स का। अगर यही हम समझ लें तो इस कोर्स का हमने 80-90% हिस्सा कवर कर लिया। लेक्सिकल एनालाइजर का मैंने आपको काम ये बताया था कि लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली आपके कोड को टोकन्स में कन्वर्ट करता है। लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली आपके कोड को टोकन में कन्वर्ट करता है। टोकन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आप कोड देते हैं उसमें जो भी मीनिंगफुल एंटिटीज होती हैं, जो भी मीनिंगफुल एंटिटीज होती हैं उनको अलग कर लेता है। जैसे ये कोड है, अब आज हम ये पढ़ेंगे कि लेक्सिकल एनालाइजर काम कैसे करता है और क्या मतलब करता क्या है डेफिनेटली, और काम करता कैसे और करता क्या। तो ये देखें, ये आपका एक कोड है। अगर मैं इसको लेक्सिकल एनालाइजर पे चलाऊं तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, लेक्सिकल एनालाइजर इस कोड को देखें। अभी हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये काम होता क्या है, फिर हम आपसे ये डिस्कस करेंगे काम कैसे हो सकता है, फिर एक्चुअल में कैसे होता है वो बात करेंगे। पहले आपसे सजेशन लेंगे, पहले आप ये याद कर लें थोड़ा सा कि काम है क्या, जो आपको ये याद आ जाएगा ये काम था क्या, काम क्या था, तो फिर हम उसमें बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके कोड को इस तरह से टोकन में कन्वर्ट करता है। मैंने आपसे कहा था कि टोकन में कन्वर्ट करने के आगे अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे हर वो चीज जो मीनिंगफुल एंटिटीज रखती हो ये उसको कन्वर्ट कर देता है। मीनिंगफुल एंटिटीज को क्या करता है, अलग कर लेता है और उनके साथ उनकी टाइप्स को एसोसिएट कर देता है, ठीक है। अब बात आ जाती है क्या मतलब मीनिंगफुल एंटिटीज। अब देखें यहाँ पर ये वाइल है, अब वाइल जो है ना कोड के अंदर एक अलग मुकाम रखता है। मुकाम का मतलब ये अलग वैल्यू रखता है। जब भी मैं कोड में वाइल लिखता हूँ उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ चीज होती है। तो देखें अगेन, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि कोड के साथ उसकी टाइप को एसोसिएट करना। जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये आईपी लिखा हुआ है, तो आईपी जो है वो आइडेंटिफायर के तौर पर अलग किया है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, शायद आपको याद भी होगी ये बात। बेटा एक मिनट बता रहा हूँ, मुझे मेरी बात ख़त्म करने दें, तो मेरी बात ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका जो भी सवाल होगा वो इंशाल्लाह होगा ही नहीं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर मेरी इस क्लास में आप इनरोल हैं असाम बेग के नाम से, तो मैं आपको असाम बेग के नाम से जानता हूँ। अगर आप इनरोलमेंट के टाइम पे अपने नाम रख दें ए बी, तो मेरे लिए आप ए बी हो जाएंगे इस क्लास में। मैं आपको ए बी कह के मुखातिब करूंगा, जैसे एक बच्चा है जिसने अभी जी डॉट जे के नाम से ज्वाइन की हुई क्लास। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका, उनका नाम डेफिनेटली दिशान होगा, दिशान समथिंग होगा, लेकिन मैं उनको जी डॉट जे के नाम से अभी पहचानूंगा क्योंकि मैं आप लोगों के नाम नहीं जानता। तो चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब रिप्रेजेंट आप कैसे करते हैं वो चीज़ की बात हो रही है। पहले आप थोड़ा सा याद कर लें पिछले वीक का, तो फिर आपका कोई नया सवाल आएगा। ये कोड है, कोड को अलग करके उसके बाद उसकी टाइप एसोसिएट करनी है। तो वाइल जो है वाइल को अलग किया और वाइल के साथ वाइल ही लिख दिया। वाइल जो है वाइल को अलग किया और वाइल के साथ वाइल लिख दिया। इसका मतलब है ये हमारा लेक्सीम है और ये इसकी ये मतलब ये पहले वाली चीज जो हमने अलग की है वो लेक्सीम है और दूसरी वाली चीज क्या होती है इसकी टाइप है। इसी तरीके से अगर हम ये बात करें कि सर ये आईपी, तो आईपी जो है वो आइडेंटिफायर है। पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी इस कोर्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल होगा, जिसे आप इंटीजर फ्लोट या कैरेक्टर कहते हैं, तो मैं इंटीजर फ्लोट या कैरेक्टर के बदले इसको क्या बोलूंगा, आइडेंटिफायर बोलूंगा। क्या बोलूंगा, आइडेंटिफायर। जब भी मेरे पास इस कोर्स में वेरिएबल आएगा तो मैं उसको वेरिएबल के बजाय क्या बोलूंगा, आइडेंटिफायर बोलूंगा। ये बात अभी जितने भी लोग मौजूद हैं क्लास में ये अपने पास याद रखें। हर दफा कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर आइडेंटिफायर क्या होगा, ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ। जब भी इस कोर्स के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी तो मैं उसको वेरिएबल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आइडेंटिफायर बोलूंगा, ठीक है। जब भी इस कोर्स के अंदर कहीं पर भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, वेरिएबल, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आइडेंटिफायर बोलूंगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जी बेटा जो पूछा, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिए दोबारा।
अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है कि वो आपके कोड में हर वर्ड को जो मीनिंग रखता है उसको अलग करके उसके साथ उसकी टाइप एसोसिएट करता है। टाइप एसोसिएट क्यों करता है? डेफिनेटली उसको आगे सॉल्व करना है। तो जैसे इसने वाइल को अलग किया, वाइल का मतलब ना देखें कोड के अंदर वाइल ही होता है, वाइल वाइल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखें, अब अगर मैं आपसे सिर्फ ये बात करूं कि इस कोड को जब मैं अलग करूंगा तो क्या होगा, तो इन्होंने वाइल के साथ टाइप वाइल लिख दिया। अब अगर किसी चीज की टाइप वाइल है, टी का मतलब है टाइप, अगर किसी चीज की टाइप वाइल है तो उसका लेक्सिम भी वाइल होगा। लेक्सिम क्या है? जो चीज कोड में लिखी हुई है अलग हो रही है। अब आप अलग से लिखेंगे टाइप वाइल और वाइल, या आप सिंगल वाइल लिखेंगे। इसी तरीके से लेफ्ट पैरेंथेसिस है। अब लेफ्ट पैरेंथेसिस ना एक अलग से चीज है, ये किसी चीज के साथ नहीं आता। लेफ्ट पैरेंथेसिस का मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है, जैसे एप्पल का मतलब कोडिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट पैरेंथेसिस का मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस ही होता है। इसी तरीके से वाइल का मतलब वाइल ही होता है। तो ये जो आप ब्लू ब्लू रीजन देख रहे हैं, इनकी टाइप्स अलग हुई हुई है, और जो ये येलो येलो रीजन है उन टाइप्स के अगर कोई नाम है तो वो अलग हुए हैं। लेकिन कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिनके नाम नहीं होते, वो खुद ही अपने नाम से पहचानी जा रही होती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैं उस्मान खान हूँ, मेरी टाइप है टीचर, आप आसाम है, आपकी टाइप है स्टूडेंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन अगर टीचर और स्टूडेंट की कैटेगरी हटा दें तो अब हर क्लास, हमारी क्लास में हर बच्चा अपने नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका नाम ही उसकी टाइप हो गई, क्योंकि वो अलग यूनिक एंटिटी रखता है। तो मुजम्मिल मुजम्मिल है, आसाम आसाम है। तो अब मैं अगर सिर्फ टाइप आसाम लिख दूं या टाइप उस्मान लिख दूं, तो आप समझ जाएंगे कि इनका नाम भी है ये। वो चीज जो एक से ज्यादा नहीं आ रही, इंडिविजुअल आ रही है, उसके बाद उसका नाम ना लिखें, सिर्फ टाइप लिख दें, इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप रिप्रेजेंट कैसे करना चाह रहे हैं बेटा, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये देखेंगे, इन्होंने लेफ्ट पैरेंथेसिस को अलग किया, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को अलग करने के बाद उसके बाद कोई नाम नहीं लिखा अलग से, क्योंकि लेफ्ट पैरेंथेसिस जब आप लिखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे कि लेफ्ट पैरेंथेसिस का मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेकिन जब आपने आईपी को अलग किया, तो आईपी जो है बहुत सारी चीजों के नाम हो सकते हैं, तो उन्होंने अलग किया कि आइडेंटिफायर। जब लेस देन को अलग किया तो लेस देन है। जब इन्होंने जेड को अलग किया तो जेड क्या आइडेंटिफायर है। जब इन्होंने राइट पैरेंथेसिस को अलग किया तो राइट पैरेंथेसिस है। जब इन्होंने देखा दो प्लस एक साथ आ रहे हैं तो उसको एक सिंगल टाइप असाइन कर दी। अरे बता रहा हूँ आसाम, सुन नहीं रहे बेटा आप? क्या टाइप वाइल? टाइप वाइल, वाइल के साथ टाइप लिखा हुआ तो है, बता तो रहा हूं। क्या सवाल क्या है? हाँ बेटा हाँ, जब वाइल वाइल है तो वाइल की टाइप वाइल होती है। देखिए प्रेजेंटेशन का तरीका समझने की कोशिश करें, हम लोग स्लाइड से पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पर, ये बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा सब लोग। अगर मैं अपनी क्लास में वाइल को ये लिख रहा हूं, तो मैं अगर आज से बोलूं आपको कि डब्ल्यू एच का मतलब वाइल है, तो आप आज से ये समझेंगे मेरी क्लास के अंदर कि सर ने बोला डब्ल्यू एच का मतलब वाइल है। समटाइम्स होता है ना, किसी इक्वेशन को किसी चीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर ए बहुत बड़ी इक्वेशन होती है, लेकिन आप बोलते हैं कि जब भी मैं कैपिटल ए बोलूंगा आप समझ जाएंगे सर मैं उस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही ना। तो यहाँ पर टाइप का मतलब ये है कि मैंने एक वेरिएबल अलग, मतलब मैंने एक लेक्सिम अलग किया, उसकी टाइप वाइल थी इन सब। अब देखें असल में ना मुझे ऐसा लगता है, सब लोगों से बात ये कर रहा हूँ कि हमें ना सिर्फ स्लाइड पे जो लिखा हुआ उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, साथ साथ जो सर कह रहे हैं उसको भी सुन लें, क्योंकि अगर स्लाइड से पढ़ना है तो वो आप ले लें, आप खुद ही उससे समझ लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अगर वो चीज आप नहीं सुन रहे साथ साथ तो बेकार है। तो काइंडली मेरी बात तवज्जो से सुन लें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक तरीका होता है प्रेजेंटेशन का ये कि लेक्सिम कॉमा टाइप। एक तरीका होता है कि कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं कि उनके नाम भी वही होते हैं और टाइप भी वही होती है। जैसे इफ है, इफ की टाइप इफ ही होगी। जैसे फॉर है, फॉर की टाइप फॉर ही होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से डू है तो डू की टाइप डू होगी। ये बात समझ रहे हैं आप सब लोग? क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आप सबके? तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपना टाइम बचाने के लिए बेटा मैं सिर्फ इफ लिख दूं तो आप समझ नहीं जाएंगे ये बात। मैं सिर्फ फॉर लिख दूं तो आप ये समझ नहीं जाएंगे मेरी बात। मैं सिर्फ इफ लिख दूं तो आप मेरी बात समझेंगे नहीं समझेंगे, बताएं।
आप बोलेंगे जर सर जब भी सिंगल चीज लिखी हुई होती है इसका मतलब ये होता है ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए ना मेरी बात। मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो प्रेजेंटेशन उस डेकोरम में रहते हुए किसी भी तरीके से हो सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सवाल ये आता है कि सर ये काम होगा कैसे? ठीक है बेटा, अब सवाल ये आता है काम होगा कैसे। पहली बात, समटाइम्स कुछ चीजों के नाम भी होते हैं, जैसे मैं ये लिख दूं, देखिएगा ए, देखिए गौर से देखिएगा, एक नई चीज आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 150। अब आप बोलेंगे सर देखें इसकी टाइप, इसका नाम जो है ना वो सर ए है, इसकी टाइप सर आइडेंटिफायर है, और सर इसकी वैल्यू 150। अब तीन चीजें आ गई। तो समटाइम्स किसी लेग्जिम के साथ उसकी टाइप के अलावा वैल्यू भी गिवन हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें हो सकता है तीन चीजें लिखनी पड़े, हमें हो सकता है क्या लिखनी पड़े, तीन चीजें लिखनी पड़े। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, अब पहला सवाल आपसे ये है कि भाई ये काम होगा कैसे, ठीक है ना। चले इसका जवाब तो मैं थोड़ी देर में लेता हूँ आपसे, जो भी आपका मशवरा है। लेकिन अगेन अब एक चीज और से सुनिएगा, लेक्सिकल एनालाइजर का काम एरर निकालना नहीं है। क्या कहा मैंने कि लेक्सिकल एनालाइजर का काम एरर निकालना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके कोड के अंदर कोई गलती हुई भी है, आपके कोड के अंदर कोई गलती हुई भी है, तो आप का लेक्सिकल एनालाइजर इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो आपको एरर निकाल के देगा। उसका काम क्या है कि वो चीजों को सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा। इट्स लाइक अ वॉचमैन ऑफ योर अपार्टमेंट, ऑफ योर यूनिवर्सिटी के गार्ड जो होते हैं वो गेट पे खड़े हैं। आप आए, उन्होंने बोला भाई ये उस्मान खान है, आप आए उन्होंने बोला ये अदनान है, आसाम है, आराम है, मुजम्मिल है। अब उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो ये बोले कि भाई ये आसाम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही नहीं है, क्या कर रहे हैं। वो आपको पहचान लेगा और बोलेगा आप आसाम है। वो ये नहीं बोलेगा कि भाई ये दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते, ये चारों एक साथ नहीं आ सकते। वो अलग अलग सबको पहचान लेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर कोड में कोई गलती हुई हुई है तो गलती से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसके काम क्या है, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप बनाना है। मतलब क्या है, स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखें, मैंने आपसे बताया था कि लेक्सिकल एनालाइजर का अगला फेज क्या होता है, सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर में पार्सट्री बनती है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन जनरेट करके दे दिए तो सिंटैक्स एनालाइजर पार्सट्री बनाने की कोशिश करता है। पार्स ट्री ये कहती है कि अगर मैं बन जाऊंगी तो इसका मतलब ये कोड सही लिखा हुआ है। हम अगर अपनी जितनी भी हमें कोडिंग आती है उसके बिहाफ पे अगर देखें तो ये कोड सही लिखा हुआ है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इतने कोड में कोई एरर तो नहीं है ना, इस कोड में कोई एरर तो नहीं है ना बेटा। तो लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन जनरेट किया, सिंटैक्स एनालाइजर ने हमें बता दिया। लेकिन फर्ज करें अगर हम बात करें, ये देखें ये कोड लिखा हुआ है, ये लेक्सिकल एनालाइजर ने इसके टोकन जनरेट किए हैं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि कैसे किए, लेक्सिकल एनालाइजर ने इसके टोकन जनरेट किए, वी बिलीव के टोकन सही जनरेट हुए हैं, ठीक है ना, वी बिलीव के टोकन सही जनरेट हुए हैं। ये देखें टोकन सही जनरेट कर दिया उसने, कि भाई डू को अलग कर दिया, टाइप स्क्वायर ब्रैकेट को अलग कर दिया, एस स्क्वायर ब्रैकेट को अलग कर दिया, फॉर को अलग कर दिया, टाइप न्यू अलग कर दी, और इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या दिया, जीरो को। लेकिन क्या ये कोड सही लिखा हुआ है? आपके ख्याल में क्या ये कोड सही लिखा हुआ है? इसमें कोई गलती है? आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है, गलत लिखा हुआ है ना, क्या मसला है इसमें? आपको नहीं पता, लेकिन इसमें मसला है इस कोड के अंदर कोई? नीचे जो कोड लिखा हुआ है डू फॉर न्यू, ये कोड अगर मैं डू का ये काम नहीं है, या आप ये कह लेंगे सिर्फ डू की कंडीशन में फॉर नहीं आ सकता, मतलब डू के एक्सप्रेशन के अंदर फॉर नहीं आ सकता सिर्फ, या सर ये कह लें कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता, ये तमाम चीजें आपको थोड़ी बहुत तो बताऊंगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये कोड सही नहीं लिखा हुआ, लेकिन लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया कि जो आपको टोकन जनरेट करके दिए वो कर दिए। अब सिंटैक्स एनालाइजर आपको बताएगा कि भाई आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ अ पार्स ट्री फ्रॉम दिस, तो दैट्स व्हाई दिस कोड इज Not logical. ये सॉरी, this code has syntax error. इस कोड के अंदर syntax error.
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ सिर्फ जो पॉइंट समझाने की कोशिश की है वो क्या की है कि अगर कोड में एरर होगा तो सिंटैक्स एनालाइजर बताएगा, लेक्सिकल नहीं बताएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेक्सिकल एनालाइजर की कोड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो टाइप जनरेट करके देगा, आपको टाइप चेक करके देगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेक्सिकल एनालाइजर की कोड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो आपको क्या करके देगा, वो आपको टाइप क्रिएट करके देगा. अब ये भूलिएगा नहीं क्योंकि ये तमाम चीजें कनेक्टेड है. तो जब अगर आज क्लास जब भी खत्म होती है, फिर नेक्स्ट हफ्ते जब क्लास होगी तो यहीं से शुरू होगा ये. तो अगर आप आज का भूल जाएंगे या आपने रिवाइज नहीं किया हुआ तो नेक्स्ट क्लास के फिर शुरू में मसला होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं. आपसे पूछना है कि फर्स्ट करें कोड लिखता भाई, आपके ख्याल में जो भी लोग क्लास में मौजूद हैं, मैं क्या लॉजिक लगाऊं कि इसके टोकन जनरेट हुए? आपके ख्याल में कि मैं क्या लॉजिक लगाऊं कि इसके टोकन जनरेट हुए? आपके ख्याल में कि मैं क्या लॉजिक लगाऊं कि इसके टोकन जनरेट हुए? जी क्या लॉजिक लिखनी चाहिए कि इसके टोकन जनरेट हो जाए? जल्दी बताइए. आपके ख्याल में मैं क्या लॉजिक होनी चाहिए कि ये टोकन जनरेट हो जाए? मुझे आंसर चाहिए जल्दी से. आपके ख्याल में क्या लॉजिक लगनी चाहिए, जो भी आपकी समझ में आता है सर ये लगा लें लॉजिक तो इसके कोड जनरेट हो सकते हैं. बेटा एक सिंपल सा सवाल पूछा है तो नहीं पता जवाब नहीं होता, सोच के जवाब देना है. कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा टोकन जनरेट करने का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट लेके उनकी टाइप स्पेसिफाई कर दो. अगर मैं गेट साद और मुजम्मिल आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी गेट पे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए खड़ा हुआ, मैंने अगर आपको कभी देखा और मुझे पता हो मुजम्मिल है तो मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? जब तक मैंने आपको देखा नहीं होगा मैं आपको पहचान सकता हूँ? जब तक मैंने आपको देखा नहीं होगा क्या मैं आपको पहचान सकता हूँ? नहीं पहचान सकता ना जब तक मैंने नहीं देखा, इसका मतलब है. और आपने भी मुझे अगर नहीं देखा हो तो आप मुझे नहीं पहचान सकते. इसका मतलब है पहले हाँ यूनी के कार्ड से नहीं, अगर मैं आपको नहीं मैं आपको देख के साथ की आवाज लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ. ऐसा ही है ना? तो अब सवाल ये आता है कि इसका मतलब है कि जिस चीज को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हमें पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए. ऐसा ही हो गया? हम जिस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोड को, कोडिंग में कह रहे हैं कि वो टोकन्स को पहचाने. तो हमारे कोड को पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से टोकन मौजूद हैं. ऐसा ही है, हमारे कोड को पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से टोकन मौजूद हैं. ऐसा ही है. तो अब हमें पहले सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कोड को कि भाई कितनी तरह के टोकन मौजूद हैं. तो वाइल हो सकता है, डू हो सकता है. बेटा आप कोड कर रहे हैं ना तो आपको पहले से पता होगा यार. साथ कैसे सवाल पूछ रहे हो बेटा, ये सवाल कैसे पूछ रहे हो? बेटा मैं नहीं पढ़ा सकता ऐसा, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता. मेरी मर्जी, आपको नहीं पढ़ना आप छोड़ दें क्लास. बेटा क्वेश्चन तो जब करेंगे ना जब आप पिछली क्लास का पढ़ के आए होंगे. मैं अगर शुरू के आधे घंटे आपसे पिछली क्लास का पूछूं तो आप में से कितने लोगों ने मेरी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी है? एक दो के अलावा
बेटा आपकी बात नहीं कर रहा मैं। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि पिछली क्लास का अगर कोई पढ़ के आया हो तो उसको ये अजीब से सवाल पूछ कि सर वो पैसे 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 पता होगा हमें। मुझे 15 मिनट 20 मिनट हो गए, मैं पिछली क्लास का ही बता रहा हूँ उसको अभी तक कि टोकन्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं। पिछली क्लास में 1.5-2 घंटे जो पढ़ा था वो कहाँ गया फिर? अजीब सी बात है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मेरी तरफ से थोड़ी है। अगर आपको एक चीज पढ़ा दी गई है तो थोड़ा सा रिवाइज तो करके आए। आप एक चीज डिजाइन कर रहे हैं, आपको पहले से पता होगा उसके बारे में यार कि उसमें कितनी तरह के टोकन आ सकते हैं। आप कंपाइलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितनी तरह की टाइप्स हो सकती हैं। वाइल होता है, इफ होता है, फॉर होता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, मेन की डिक्लेरेशन, जितनी भी कोडिंग में चीजें होती हैं वो सब आपके टोकन हो सकते हैं। तो आपको पहले से पता नहीं होगा ये बात क्या? पिछली क्लास में भी यही बात हुई थी। आप जब कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में क्या आप हर कोड में सब कुछ यूज कर लेते हैं? नहीं करते ना, लेकिन आपको सब पहले से पता होता है कि इस कोडिंग में मैं कौन कौन से सिंटेक्स यूज कर सकता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मुझे इस बात का जवाब दो। तो बेटा ये सवाल देखे ना इनका कैसा था कि सर वो कैसे पता होगा। सो मेरी बात सुने, हर हफ्ते रिवाइज करें जितना भी पढ़ा जा रहा है, और पढ़ा तो कम ही जा रहा है, इसीलिए कि ये कोर्स थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब लॉजिक पूछिए सिंपल सी, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं आपको 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको कोडिंग का कोई कोर्स नहीं पढ़ाया बेटा अभी तक। तो ये मेरी गलती नहीं है अगर आपको कोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं पता। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है बेटा कि हर हफ्ते पिछली क्लास का आपको कंप्लीट रिवीजन दिया जाए। लेक्चर दिया जा रहा है ना यार, वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है आपको, जितना भी दिया जा रहा है उसको कम से कम देख के आए। हमारे पास एक सॉल्यूशन ये हो सकता है इसका कि हम इसकी लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग कर लें। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ कैरेक्टर्स को रीड करने की कोशिश करें, लेफ्ट से राइट की तरफ कैरेक्टर को रीड करने की कोशिश करें। ये देखें, ये कह रहा हूँ मैं, और जहां हमें लगे कोई टोकन बन गया हम उसको अलग कर लें। देखें, ये देख रहे हैं आप, जहां हमें लगे कि कोई टोकन बन गया उसको अलग कर लें। देखें, अब थोड़ा सा दोबारा रिवीजन हो गया। एक कोड के ओरिजिनल पीस से जहां से अलग किया है चीज चीज को वो कहलाता है लेक्सीम। द ओरिजिनल पीस ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम व्हिच वी मेड द टोकन इज कॉल्ड अ लेक्सीम एंड दिस इज कॉल्ड अ टोकन। और जब आप उसको अलग करके उसके बाद उसकी टाइप लगा के बिल्कुल अलग कर देते हैं तो ओवरऑल चीज क्या कहलाती है? आपकी टोकन कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। समटाइम्स कोडिंग के अंदर आपको कोई चीज इग्नोर भी करनी पड़ती है। देखें, समटाइम्स आपके पास जो स्पेसेस होते हैं कोडिंग के अंदर वो कोई मीनिंग नहीं रखते। समटाइम्स स्पेस जो होता है कोड के अंदर वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है? वी विल डिस्कार्ड अ लेक्सीम, वी विल डिस्कार्ड अ लेक्सीम रादर देन स्टोरिंग इट फॉर अ लेटर यूज वेयर वी इग्नोर वाइड स्पेस सिंस इट इज नो बेयरिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर वाइड स्पेस, जिसे हम स्पेस कह रहे हैं, उसको अलग कर देंगे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता प्रोग्राम के ऊपर। इज इट क्लियर? Sometimes कुछ entities ऐसी होती हैं बेटा कि जो कि individual meaning रखती हैं, ना उनसे आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत है ना आगे देखने की जरूरत है। ये देखिए, जैसे ये W था, W पे मैंने इंतजार किया कि W के बाद वाला करेक्टर क्या है, H फिर I फिर L फिर E, जब ये पूरा while बन गया तो मैंने उसको अलग किया है। लेकिन sometimes कुछ entities ऐसी होती हैं बेटा जो individual meaning रखती हैं। individual meaning का मतलब क्या होता है? जैसे left parenthesis है, ना हमें इससे पहले कुछ देखने की जरूरत है ना हमें इसके बाद कुछ देखने की जरूरत है। तो समटाइम्स इंडिविजुअल एंटिटीज जो होती है वो मीनिंग रखती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आ गई? समटाइम्स कॉन्स्टेंट आ जाती हैं। देखें, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। और इसके बाद अब नाम देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, तवज्जो से सुनिएगा। ये जो टाइप्स के नाम है ना, ये आपकी मर्जी की हो सकते हैं। आप वाइल को W कहते हैं, टाइप W, इसको आप कह लें टाइप इंटीजर कॉन्स्टेंट, कोई और नाम रख दें इसका। ये आपका कोड है, आपके कोड के अंदर उस नेम आपकी मर्जी के चल सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही हो जो एक्चुअल है। तो टाइप इंटीजर कॉन्स्टेंट रख दिया, ये कोई बिल्ट इन चीज नहीं है, आपकी मर्जी का नाम है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ठीक है, समटाइम्स कुछ टोकन ऐसे होते हैं कि उसमें उनके नाम के साथ साथ उनकी वैल्यू भी स्टोर हो रही होती है। जैसे ये देखें कि टाइप इंटीजर कॉन्स्टेंट है, इसके साथ क्या हुआ हुआ है, इसके साथ हुआ हुआ है ये इंटीजर कॉन्स्टेंट है, इसके साथ उसका एट्रीब्यूट भी ऐड हुआ हुआ है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है उसकी वैल्यू। अब मेरा सवाल ये है बेटा कि ये जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये काम हम किस लॉजिक से कर सकते हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो काम मैंने अभी करके दिखाया है या एक्चुअल जो मेरा काम है मुझे टोकन जनरेट करने हैं, तो बेटा मुझे ये बताइए हम पहले से देखें। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है मुजम्मिल असाम, डेफिनेटली हमें नॉलेज होनी चाहिए। एक छोटा सा डेटाबेस बना लेंगे, उस डेटाबेस के अंदर हम अपने सारे टोकन रख देंगे। ये बात समझ में आ गई सबकी? समझ में आ गई ये बात कि एक छोटा सा डेटाबेस बना के उसके अंदर तमाम टोकन रख देते हैं, ऐसा ही है? मैं कोडिंग की लॉजिक पूछ रहा हूँ कि सामने फ्रंट एंड पे जब मैं इसको रीड करने की कोशिश करूंगा तो किस लॉजिक से मुझे पता चलेगा कि वाइल जो है वाइल यहां पर जाके अलग हो रहा है? किस लॉजिक से पता चलेगा? मतलब कैसे मैं वर्ड्स को अलग कर सकता हूँ कोडिंग में? मुझे कैसे पता चलेगा मेरा एक वर्ड कंप्लीट हो गया यहाँ पर? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक वर्ड कंप्लीट हो गया? अब आप साथ ने बताया स्पेस देकर, बिल्कुल मुनासिब जवाब है बिल्कुल ये। साथ ने बताया कि स्पेस देकर मुझे समझ में आ रहा है, बाकी सब यही कहते हैं कुछ और सोचते हैं? ये एक मुनासिब जवाब लग रहा है, ऑल्दो कि इसमें मसले हैं लेकिन ये एक मुनासिब जवाब लग रहा है आपके एंड पे। के जाहिर सी बात है आपने देखा सर स्पेस जब आए ना तो आप उससे पहले का वर्ड अलग कर दो। बिल्कुल आसाम, मैं अभी बेसिक सी लैंग्वेज पर रह रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? मैं अभी सी लैंग्वेज के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, सबसे आसान लैंग्वेज मैं उसके परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो हम सी लैंग्वेज पे रहते हुए बात करते हैं, ठीक है? आगे बताइए। इन्होंने बताया कि स्पेस जो है ना सर उसके व्यास पे आप चीजों को अलग कर सकते हैं, ऐसा ही है? अब सवाल ये आता है कि सर अगर हम स्पेस पे लॉजिक लगा दें कि जब भी स्पेस आएगा तो वर्ड अलग हो जाएगा, तो क्या यहाँ स्पेस है? नहीं है। आपने कहा सर लेफ्ट पेरेंथीसिस इंडिविजुअल आ जाए तो आपने एक लॉजिक लगा दी, सही है। समटाइम्स बेटा कुछ लैंग्वेजेस में ना स्पेस इंपॉर्टेंट नहीं होता। साध मेरी बात सुनिएगा बेटा, अगर मैं ये भी लिखता तो क्या ये कोड वर्क करता? क्या ये कोड वर्क करता? मतलब अगर कुछ भी लिख देता, बताएं अगर वाइल के बाद स्पेस नहीं दूं तब ये कोड वर्क करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना मुजम्मिल आसाम, क्या कोड वर्क करेगा अगर मैं वाइल के बाद स्पेस ना दूं तो? इसका मतलब है स्पेस पे अलग करने की लॉजिक नहीं बन रही। अब मेरा पॉइंट समझ गए? जवाब मैं ही आपको दूंगा बिल्कुल एंड में, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें ज्यादा से ज्यादा कि आप कितना समझ रहे हैं चीजों को। चीजें ना ऐसे ही समझ में आती हैं। मुझे बताइए कि अगर स्पेस पे हम लॉजिक लगाते तो ये कोड तो फिर वर्क नहीं करेगा, ये वाइल को अलग ही नहीं करेगा, सही कह रहा हूँ गलत? तो बताइए कोई दिमाग में और चीज है कोई? स्पेस पे तो आप फंस गए, या तो फिर आप ऐसा कंपाइलर बनाएं और अपने यूजर से बोलें कि भाई कोड ऐसा लिखना कि जब भी कोई एंटिटी हो उसके बाद स्पेस देना है। अजीब सी बात है, कौन आपका कंपाइलर यूज करेगा? सब बोलेंगे यार नहीं ये तो अजीब सी बात हो रही है, हम क्यों स्पेस दें, हमें तो स्पेस की आदत नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां दे देंगे, अदरवाइज हर जगह नहीं दे सकते स्पेस। सही कह रहा हूँ ना? इसका मतलब स्पेस पे हमारा सॉल्यूशन नहीं बन रहा। कोई और जवाब? हाँ बेटा वरदा, आप मैं आप लोग शायद मेरी बात वाली बहुत सुनी नहीं आप लोगों ने। कीवर्ड्स रिजर्व करेंगे, सब रिजर्व करेंगे हम बेटा, हम सब रिजर्व करेंगे। मेरा सवाल ये नहीं है, मैच करने के लिए
नहीं, आपकी बात सबकी समझ में आ गई, मुझे रिजर्व करने वाली बात समझ में आ गई। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आप ये सोचिए कि ये डेटाबेस बना हुआ है, या आपने एक डेटाबेस बना लिया, ये डेटाबेस आपने बना लिया, ठीक है, कि पूरा डेटाबेस के अंदर सारे आपके रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। सवाल ये है कि जब ये कोड रन हो रहा होगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि वाइल को यहाँ पर लाके ब्रेक करना है, या इसको यहाँ ब्रेक नहीं करना, या इसको यहाँ ब्रेक नहीं करना, या इसको यहाँ से उठा के मैच नहीं करना, या इसको यहाँ से उठा के मैच नहीं करना, उसको ये बात कैसे पता चलेगी, मेरा सवाल ये है। उसको कैसे पता है कि डब्ल्यू एच आई एल ई पे रुकना है, उसको ये कैसे नहीं पता कि डब्ल्यू एच पे रुकना है। क्या मैं ये कोड लिखूं, अगर मेरा ये कोड है इंटीजर डब्ल्यू एच, तो बताइए सही कोड है या गलत है? इंटीजर डब्ल्यू एच सही है ना, इंटीजर डब्ल्यू एच सही है ना कीवर्ड, हो सकता है? आसाम बहुत ज्यादा नहीं सोचें, बेसिक पर रहें। आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है ना सब बच्चों से, वो इसलिए पूछा जा रहा है कि आपके लेवल तक का सवाल है वो। आप मैक्सिमम नहीं सोचे इस वक्त, कोर्स का स्टार्ट हुआ है अभी, तो आप ज्यादा सोचेंगे तो बेसिकली आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। इंटीजर डब्ल्यू एच सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ? ये सही लिखा हुआ ना इंटीजर डब्ल्यू एच, इसका मतलब है डब्ल्यू एच जो है वो एज अ आइडेंटिफाई डिफाइन हो सकता है ना, डब्ल्यू एच एज आइडेंटिफाई डिफाइन हो सकता है, तो यहां पर वो डब्ल्यू एच को अलग क्यों नहीं कर रहा, वो यहीं पर ही जाके क्यों अलग कर रहा है? इसका मतलब है हमें स्पेस की लॉजिक नहीं लगा सकते, हमें कोई और लॉजिक सोचनी पड़ेगी। समझ गया आप मेरी बात? समझ गया ना मेरी बात, कि हम स्पेस की लॉजिक नहीं लगा सकते, हमें कोई और लॉजिक लगानी पड़ेगी कि उसको कुछ समझ में आ रहा हो। तो इस सवाल का जवाब बेटा ये है, जो आपने पिछला कोर्स पढ़ा है, आपने पिछला कोर्स क्या पढ़ा है? फॉर्मल फाइनाइट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इस सवाल का जवाब है फाइनाइट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, और हमें ऑटोमेटा बनाने पड़ते हैं इस चीज के लिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑटोमेटा की मदद से हम ये कैसे काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम क्यों आएगी? प्रॉब्लम एक तो सिंपल है कि आपकी वाली बात के सर आप स्पेस पे कोडिंग कर दें। टोकन क्या होता है? टोकन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल लॉजिकल एंटिटी। टिपिकल टोकन आर आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और स्पेशल सिंबल कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। पैटर्न क्या है? अ सेट ऑफ स्ट्रिंग इन द इनपुट ऑफ विच द सेम टोकन इज प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट द सेट ऑफ द स्ट्रिंग। ये कह रहे हैं कि सेम पैटर्न, वो पैटर्न, वो स्ट्रिंग जिस पे आप किसी चीज को मैच कर रहे हैं वो पैटर्न कहलाएगा। लेक्सीम क्या है? उस पूरे कोड को अलग करके निकाल दे तो वो लेक्सीम। सवाल ये आता है बनाएंगे कैसे? तो देखिए लेक्सिकल एनालाइजर का गोल क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर का गोल क्या है कि कन्वर्ट फ्रॉम फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम इनटू सीक्वेंस ऑफ टोकन। जो भी आपका कोड हुआ हुआ है फिजिकल डिस्क्रिप्शन में लाइक दिस, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसको ये ना सीक्वेंस ऑफ टोकन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या है? ये लिखिएगा ये लिखिएगा ए कॉमा आइडेंटिफायर इज इक्वल टू ए कॉमा आइडेंटिफायर प्लस B, identifier, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा। Are you getting my point? इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा कि उनके साथ उनकी टाइप एसोसिएट कर देगा। Each token represent one logical piece of the source code। ये देखें, ये A, comma ID का मतलब है A इसका नाम है, लेक्सीम है, ID इसकी टाइप है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, कुछ टोकन ऐसे होते हैं कि जिनकी वैल्यू भी होती है, जैसे 137 था, और कुछ टोकन ऐसे होते हैं कि जिनके नाम के साथ वैल्यू होती है, वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो हमें ये काम करना है। इस सवाल का जवाब यही है कि ये काम फॉर्मल लैंग्वेजेस ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से ही होगा। वो कैसे होगा हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे होगा वो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एक छोटा सा कोड है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से। आपकी स्क्रीन पे जो ये आ रहा है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब